हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंदना और आपको होली की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, होली आने वाली है तो बनाते हैं कुछ स्पेशल। आज हम बनाने वाले हैं इलाहाबादी समोसे। तो सबसे पहले मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया, उसमें 1, 2, 3 और 4 कटोरी मैदा ले लिया है और साथ में ले ली है आधी कटोरी सूजी। इनमें थोड़ा सा नमक मिक्स कर दिया है और साथ में ही मैंने अजवाइन 1.5 चम्मच ली है। और अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। आप रिफाइंड ले सकते हैं और अगर देसी घी लेंगे तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन जाता है वो, तो मैंने इसमें रिफाइंड 1 कटोरी भर के डाल दी है। और हम इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और देखिए, मिक्स करने के बाद इसको आप मुट्ठी में बांध के देखिएगा तो ये ना, दिखाती हूँ मैं एक बार आपको, ये ना इस तरह से खट्टा होने लग जाएगा। तो अगर इस तरह से आ रहा है तो ऑयल आपका प्रॉपर डला है, अदरवाइज में अगर नहीं बन रहा है ये तो थोड़ा सा ऑयल और डाल दीजिए। और थोड़ा थोड़ा पानी, नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी लिया है इसमें मैंने, वो डाल के हम इसको थोड़ा सख्त आटा गूंथ लेंगे। थोड़ा सा हार्ड हो, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, तो ऐसा आटा गूंथ देंगे और इसको आधे घंटे के लिए हम रेस्ट के लिए रख देंगे। तब तक हम करेंगे बाकी तैयारी। इलाहाबादी समोसे या मसाले वाले समोसों को आप 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। और देखिए, इस तरह से मैंने ये आटा गूंथ लिया है और इसे साइड में रख देंगे। और मैंने ले ली है किशमिश और इसको मैं काट रही हूँ। आप चाहे तो इसमें काजू भी डाल सकते हैं, जो ड्राई फ्रूट आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। और साथ में मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ जो भुजिया होती है, आलू भुजिया, वो यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी भुजिया ले सकते हैं जो आपको अच्छी लगती हो और इसमें टेस्ट कर लीजिए जो आपको कम लगता हो। जैसे नमक मैं थोड़ा सा इसमें और ऐड कर रही हूँ, मुझे लगा कि शायद थोड़ा सा नमक, बहुत थोड़ा सा नमक मैं और ऐड किया है मैंने। और साथ में थोड़ी सी हींग ऐड की है जो बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। और इसको मैंने पीस लिया है, साथ में मैंने इसमें किशमिश मिक्स कर दी है। अब हम इसको मिक्स करते हुए अच्छे से निकाल के रख लेंगे एक साइड में और हमारा आटा भी रेडी है। तो चलिए अब समोसे बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने एक पेड़ा बना लिया है और इसको हम बेल लेंगे। इसको बहुत पतला नहीं बेलेंगे, थोड़ा मोटा ही रखिएगा आटा जो है, जो लोई बेलेंगे हम उसको थोड़ा सा थिक रखिएगा। और देखिए, मैंने बेल लिया है इसको। अब हम इसको चाकू से बीच में से 2 पीस में कट कर लेंगे। और ये मैं इसमें ना पाउडर्ड शुगर मिक्स करना भूल गई थी, वो मैं अब मिक्स कर रही हूँ। हल्का सा खट्टा मीठा थोड़ा सा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा लगता है ना। चलिए, अब हमने ये एक साइड पूड़ी का ले लिया है और इस पे लगा दिया है पानी और अच्छे से स्प्रेड कर दिया जिससे ये चिपक जाएगा। और देखिए, इस तरह से इसका कोन हमने बना लिया है और इसको अच्छे से प्रेस करते हुए ऐसे मैंने हाथ में इसको पकड़ लिया है। और देखिए, ऊपर की तरफ भी जहाँ से हमें सील करना है इसको, वहाँ पे भी हम इसमें पानी लगा देंगे थोड़ा थोड़ा। और इसके बाद हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। थोड़ा सा प्रेस कर दिया है मैंने स्टफिंग को भर के, और जिधर जोड़ आता है इसका उसके सामने वाली तरफ से हम इसको हल्का सा फोल्ड करते हुए इस तरह से देखिए बना देंगे। एक और मैं आपको बना के दिखाती हूँ। थोड़ा प्रेस कर देंगे पीछे वाली तरफ से, थोड़ा थोड़ा इसको प्रेस करते हुए हम इस तरह से रेडी कर लेंगे। एक और बना के दिखाती हूँ इसी के साथ में आपको। देखिए, फिर से हमने ये जो पूड़ी ली इसके साइड में पानी लगाया, फिर ये कोन बनाया और हाथ देखिए इस तरह से आप रखेंगे ना तो इसमें आप ये है ना फिट कर देंगे इस तरह से। देखिए, रखिए और ये इसके बीच में ऐसे आ जाएगी। अब इसमें फिर से हम स्टफिंग भरेंगे, पानी लगाएंगे और इसको हम सील कर देंगे। सील वैसे ही करना है जहाँ से जॉइंट है उसके सामने वाली तरफ, हल्का से एक फोल्ड करके इस तरह से उसको प्रेस करते हुए बंद कर दीजिए। इस तरह से मैं सारे समोसे रेडी कर लूँगी और हम तलने की तैयारी करेंगे। मैंने ऑयल रख दिया है ऑलरेडी, ऑयल गर्म हो चुका है बहुत तेज़ और मैंने गैस ऑफ कर दी थी उसके बाद। अब ये थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पर, थोड़ा सा टेम्परेचर इसका कम हो गया है तब हम इसमें डालना शुरू करेंगे। गैस बंद करने के 1-2 मिनट तक वेट कीजिए, क्योंकि अगर आप बहुत गर्म ऑयल में डाल देंगे तो ये उतने अच्छे नहीं बनेंगे, कुरकुरे नहीं बनेंगे, सिर्फ बाहर से पक जाएंगे अंदर से नहीं पकेंगे, तो मैदा अच्छे से उसमें पक नहीं पाएगा। देखिए, बहुत धीमी आंच पे 2 मिनट बाद जब आप डालेंगे उसके बाद बहुत धीमी आंच पे इसको सेकते रहिए और धीरे धीरे जब हम इसको सेकेंगे तो बहुत कुरकुरे बहुत टेस्टी बनेंगे और इनको आप अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं। तो देखिए, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, मैं इनको निकालूंगी। ये टेस्टी समोसे मेहमानों को खिलाइए, घर में सबको खिलाइए, खुद खाइए, मज़े लीजिए, चाय के साथ खाइए, इसको बहुत टेस्टी लगते हैं। और बना के ज़रूर बताइएगा कि आज की ये रेसिपी कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, हैप्पी होली।